बहुत ही बायस खातून है यार, बहुत ही बायस ऑर्गेनाइज किया है यार भाई, ये झूठी है। यार देख यार बस कर दे, बस कर दे, ये तेरी सेल्फियों से ना पूरे जमाना तंग है। नहीं मतलब कि जितना टाइम आप बालों पे लगाते हैं, मैं एक पिक्चर नहीं खींच सकती। नहीं नहीं खींच सकती तुम, आपको पता है वैसे मेरी कितनी जहरीली पिक्चर होती है सेल्फी, आपने सुना है ना मेरी सेल्फी का। पहली दफा खातून को देखा है अपनी इतनी तारीफ करते हुए, मुबारक हो। जीत की जंग HBLPSL के लिए हमने दो वॉरियर्स जिसे कहते हैं यहाँ पे रखे हैं। कराची किंग्स हैं मोहम्मद आमिर एंड रुमान रईस इज फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त होने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ जंगजू मूड में है या नहीं आप लोग? मैं तो जी जी मैं तैयार हूं, बिल्कुल आई एम रेडी। रुमान अभी इंजरी से वापस आए करने के लिए कि कॉन्फिडेंस कैसा है, कैसा नहीं। सही सही। अच्छा कौन किसकी तरफ से खेल रहा है बाय द वे? मेरा ख्याल से आई एम गोइंग टू गो विद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। और आमिर आई होप कि आज मेरी लक काम कर रही है, अल्लाह कर रही है, एंड तक करती है, एंड तक करती है। क्या ख्याल है आप? एक सेल्फी खिंचवा लो ना इसके साथ, इसकी लक लक डबल हो जाएगी। नहीं नहीं आज की सेल्फी मेरी सही रहेगी। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास शहजादे हैं, टू टाइम पीएसएल HBLPSL विनर। गुड लक ब्रो, गुड लक आमिर भाई। ओके चलो मेरे ख्याल चलते हैं टॉस के लिए। मुझे पता है चैंपियन जीतने वाला बात है। चलो कॉल करो जी मोहम्मद आमिर। हेड हेड से जी कॉल, जीत गए हम और आ गया हेड यार। अच्छा जी बड़ी सिंपल सी गेम है ना, मैं शॉर्ट बॉल कराई भी तो है। सिंपल है शॉर्ट बॉल, क्या बैट्समैन से पूछो तुम? बड़ी सिंपल है मैडम, ऐसी जाती ना करो तुम। नहीं नहीं बाउंसर तो तुम्हारी फोर्टे है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं तो अपने बंदे का ही साइड करूंगी, लेकिन सिंपल सी बात है, बॉल पकड़ो डालो अंदर, डाला तो छक्का, और जिसने ज्यादा छक्के मारे वो जीतेगा गेम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो कुछ स्किल, थोड़ा सा आगे फेंकेगा तो लगेगी ना। ओ थोड़ा सा और आगे इधर फेंकेगा तो जाएगा। ओ नहीं देखा चलेगी ना। ओहो सही है, प्रेशर में आ गया बड़ा कर भाई ऑपोजिशन। ओ ये एक और गया, ए ज्यादा नहीं हो गया। इनक्रेडिबल क्या करते रहे भाई? मेरी जान खत्म हो गया भाई, इसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। नहीं नहीं हार नहीं माननी। नहीं नहीं इसके बाद अभी तो अभी तो कमबैक हुआ मेरा। ओहो थोड़ा सा टाइम रह गया है। बॉल ले रहा, इधर भी नहीं ले रहा। 152 153, तेरा जवाब नहीं है। 155 156 57 58 59। विनिंग शॉट है, विनिंग शॉट, सेलिब्रेशन देखो भाई, ब्रिलियंट ज्यादा हो गया। स्कोर कर लिया, कैसे चेज करेंगे? बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा जी हमारी बारी है बड़े मैच का, बड़ा प्लेयर हमारे पास। ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो इस प्रेशर में डाल दो मुझे। 48 का स्कोर है। अठारह मुझे अपनी वॉच अभी अभी हमें विंग्स लगने लगने उड़ने लगना है हमने। चलो जी स्टार्ट। आउट और अभी आप देखें आमिर भाई की इन स्विंग। क्या जल्दी से टाइम हो यार, एक ही है। थोड़ा सा थोड़ी सी और शॉर्ट पिच, थोड़ी सी उधर सामने जा यार जरा। ये तो यार पिटाई हो रही है रोमान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रमेश भाई, जल्दी से नहीं जा रहा है। एज पे लग रहा है। फाइव पांच कितना बीट करना है? 8 9 पे जीतेंगे। गए 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 और टोकरी खाली। गुड गेम भाई, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हमारे साथ। कितना हो गया? 9। जीत गए यार, बस इसको और ज्यादा मिल करना है भाई। राइट पार्टनर, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी गेम्स हैं, अभी बहुत सारी गेम्स हैं, डोंट वरी डोंट वरी, वी विल मेक अ कमबैक। अभी तो पार्टी शुरू हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किए हैं 48, कैसा लग रहा है हार के? ओए यार तुक्का लगता रहता है, आगे आगे चल अभी बताता हूँ। तुक्का नहीं था, छक्के थे, प्रॉपर छक्के
तुक्कों की बारिश हुई है। ये तुक्का था मैडम, क्रिकेट में ज्यादातर तुक्के चलते हैं। तो चलें, अभी आपके पास मौका है, मैं भी मन लगाता हूँ मुक्का। हम आपको एक और चांस दे रहे हैं वापस आने के लिए, आ जाएं, चलें। चलो चलो, कोई बात नहीं, वैसे मैं बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हूँ। तो सिचुएशन ये है HBLPSL का अगली गेम कॉल 2020। सो होगा ये, रुमान आप मुझसे जुदा होंगे, आप जो हैं वो इस पार्टी में चले जाएंगे, ठीक है सर, क्योंकि ये कुछ आपसे सवाल करेंगी और आपको नंबर देंगी और मैं देखूंगा कि ये कितने नंबर स्कोर करते हैं। पहला सवाल, अहमद शहजाद का मोबाइल का पासवर्ड क्या होगा? एक्टर नंबर वन। पाकिस्तान टीम का वो कौन सा खिलाड़ी है कि अगर मुखालिफ टीम में हो तो ज्यादा बेहतर है? मुखालिफ टीम क्या कर रहे हो भाई, बस सारे मुश्किल सवाल मेरी तरफ ही है, ये मरवाएंगे मुझे। नहीं कोई बात नहीं, बेहतर है वहाब रियाज। अच्छा ठीक है, ये प्लेयर टीम मैनेजमेंट का कौन सा रूल तोड़ सकते हैं? बाबर आजम कर को जो प्लेयर के लिए लड़ सकते हैं। सरफराज बिरयानी खाने का, या चले। फखर जमान शायद स्लो खेलना। मोहम्मद आमिर आप क्या रूल तोड़ेंगे? बोलना कम कर दूंगा। वो कौन सा फॉरेन बॉलर है जिसको पाकिस्तानी नेशनल टीम में होना चाहिए था? होना चाहिए था मिचेल स्टार। मिचेल स्टार पसंद है आपको? या क्रिकेट रिलेटेड क्वालिटीज के अलावा आपकी सबसे ज्यादा बुराई किस बात की होती है? गुस्सा जल्दी आता है, तो इसको कंट्रोल करें। यस ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, लंबे सांस लें। ठीक है, इन बॉलर्स को क्वालिटी के हिसाब से रैंक करें। जुनेद खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, जुनेद खान, वहाब रियाज। बड़े यार क्या जवाब दिया है वैसे। अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाए आप, तो पहले दो काम क्या करेंगे? यार सही बात है, नहीं सही है, ये वापस आएगा, नहीं पहले तो वर्कर्स की जो हैं उनकी पे बढ़ाऊंगा, ग्राउंड्स की विकेट्स हैं उनको बेहतर करूंगा। चलो वेरी गुड, वो कौन सी ग्राउंड है जिस पे आपके बस चले तो दोबारा कभी ना खेले? न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, बहुत छोटी है। छोटी है, T20 में यही होता है। अच्छा, खवातीन में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, वेरी गुड यार। इमरान खान के बाद वो कौन सा क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इमरान भाई के बाद कौन सा क्रिकेटर होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। अगर इन प्लेयर्स पे फिल्म बने तो कौन से एक्टर्स इन प्लेयर्स का रोल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन सोहेल तनवीर, अमिताभ बच्चन, कामरान अकमल, जॉनी लीवर। मेरे ख्याल है इसमें तो आपको दे देते हैं पॉइंट्स, 100 out of 100। सना मीर, दीपिका। वाह, केविन पीटरसन, शाहरुख खान। चलो जी, अच्छा मैं आप नंबर दे दूं या अभी दे दूं? मेरे ख्याल से नंबर दे दें, हो गए आपके। देखो कोशिश ने बहुत अच्छी की, सबसे अच्छा जो जवाब है वो मैंने ही दिया है वैसे, बाय द वे पता नहीं मुझे नंबर मिलते नहीं मिलते, मगर क्योंकि ये मेरी ऑपोजिशन है, मगर फिर भी मैं लिहाज करते हुए 100 में से 70 नंबर है। तुम हाथ हल्का रखना, माइनस की बात होती है, माइनस में प्लस में जाइएगा। अगर सुपर ओवर में 20 रन डिफेंड करने हो तो किस बॉलर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे? टीम साउथी। गुड वन, गुड वन। अभी रिसेंटली उसके साथ जो हुआ, अच्छा इसका वैसे सौदा खत्म हो गया। ये प्लेयर्स क्रिकेट से रिटायर होके क्या करेंगे? राहत अली। राहत अली, गुड क्वेश्चन, यस जनाब, सिंपल है यार, विलन का रोल करेंगे। शोएब मलिक, वो प्रॉपर एक्टर हीरो बन सकते हैं। उस्मान शिनवारी। शिनवारी मुझे लग रहा है बीन से कारोबार न करते। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भी एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी, और जिस तरह उन्होंने मेरी एक्टिंग की थी पीएसएल में ये वाली तो इज अ गुड मिमिक्री। अच्छा जी, इन प्लेयर्स का नाम सुन के सबसे पहले जहन में आपके क्या लफ्ज आता है? रमीज राजा। स्मार्ट। ऐ यार, तेरा 100 में से 100 नंबर है तेरे, बेशक झूठ बोल रहा है मगर सही बोल रहा है, तू भी वैसे स्मार्ट। वहाब रियाज, एनर्जेटिक। उमर अकमल, ट्रैफिक तोड़ने, हेल्प प्लीज, ट्रैफिक, ट्रैफिक तोड़ने के नंबर वन आउटस्टैंडिंग, इनको ट्रॉफी दाती है। कंट्रोवर्सी। हां कंट्रोवर्सी, बिल्कुल ठीक है। जावेद मियादाद, लेजेंड। वो कौन सा प्लेयर है जिसको क्रिकेट के अलावा हर चीज में दिलचस्पी है? फहीम अशरफ। मैं वो AS समझ रहा था। ऑन फील्ड सबसे ज्यादा स्लेजिंग किस प्लेयर के साथ की थी? मैंने आज तक नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
यार तुम किस किस्म के फास्ट बॉलर हो? वो कौन सी चीज है जिसके गुमने का सबसे ज्यादा डर होता है? मोबाइल फोन, क्योंकि आजकल सारी चीजें आप लोग जो है ना फोन में रखते हैं, इंक्लूडिंग सबकी तस्वीरें भी। अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाए तो पहले दो काम क्या करेंगे? नहीं, मेरा एक सवाल बिल्कुल सेम होगा, जैसे पाकिस्तान डोमेस्टिक की जो पिचेस हैं उनको बेहतर है ताकि हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो, हमारे प्लेयर्स को अच्छी पिचेस मिले खेलने के लिए, और सेकंड के जो सिस्टम है हमारा वो क्लियर हो जाए। HBLPSL का सबसे बड़ा तमाशा कौन सा प्लेयर है? ओए होए, मुश्किल सवाल है। नहीं नहीं, यही तो सबसे अच्छा सवाल है। कौन है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जल्दी से बोल, टाइम बताया हो रहा है। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद बड़े फैन निकले दोनों उसके। दोस्त भी बहुत अच्छा है। दोस्त भी अच्छा है। दोस्त खवातीन में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी उम्र छुपाना। अपनी उम्र छुपाना, सही बात है यार। तुम इस वक्त परफेक्ट जा रहा है। अगर आप वहाब रियाज के कमरे में जाए तो आपको कौन सी तीन चीजें मिलेंगी? मैं आज तक कभी वहाब भाई कमरे में गया नहीं हूँ। या बड़ी जात है, इस पे आप जियो कर सकते हैं। चलो जी आगे चलो। क्रिकेट रिलेटेड क्वालिटीज के अलावा आपकी सबसे ज्यादा तारीफ किस बात की होती है? मेरी स्माइल पे। सत्तर वाले तो नहीं है ना, इसने स्लेजिंग की ना, ये रूम तो छा गया सर, वन वन हो गया, वन वन हो गया, ये तो वन वन हो गया। अगर तुमने ऑनेस्ट आंसर दिए सारे, स्लेजिंग की ना, किसी में रूम में गया तो सीधे सीधे आंसर दे दिया, अच्छा बिजनेस करूंगा बस, ठीक है जी। ये क्या हुआ भाई यार? देखो स्लेजिंग और रूम में नहीं गया, टाइमिंग इशू रमेश भाई मेरा सबसे अच्छा। नहीं नहीं, स्लेजिंग कौन कौन जवाब दिए? मैं एक एक चीज बोलूंगी, ये जो इसने जवाब दिया था ना कि रेट करें बॉलर्स को, मेरे ख्याल है उस जवाब पे क्या मतलब है? एक जवाब के ऊपर तो 10 अच्छे जवाब दिए, उसने तीन ये भी तो कहा, मेरी टाइमिंग सोने का है, जीरो दिए ना टाइमिंग, आपने कहा था टाइमिंग, तो ऑनेस्ट जवाब दे, तीन जीरो दिए, न्याय की झूठी खातून रमेश भाई, तीन तो जीरो दिए, इन्होंने कहा था टाइमिंग्स देखेंगे, तो टाइमिंग से सबसे अच्छी मेरा टाइमिंग देखो। वो बेचारा शरीफ है, किसी के कमरे में नहीं जाता, ना स्लेज करता है, ना स्लेज करता है, ना टीम में किसी के कमरे में नहीं जाता, तो फिर स्माइल उसकी बेहतरीन है, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं। देखो ना, उसके बाद सिस्टम को ठीक कर रहा है। तुम्हें मैं कंपटीशन से बाहर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें 60 नंबर दूंगी। यस, ओह माय गॉड। हां जी, ये झूठी है ये। अगली गेम में मुर्गी पकड़नी है, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, बट एनीवे नहीं, मुर्गी नहीं पकड़नी, अगली गेम की तरफ चले, चीटिंग नहीं करनी यार। नहीं नहीं, ऑलराइट, एक और गेम का वक्त आ गया है, पिच रिपोर्ट। जरा फील करें, पिच की कंडीशंस देखें, तीन बॉक्सेस हैं, 20 सेकंड ईच, आपने गेस करना है कि बॉक्स में क्या है, और जो ज्यादा गेस करेगा वही जीतेगा, और मुझे लगता है कि हम ही जीतेंगे। क्या तो बात है यार, लेकिन वैसे इस बार रमेश भाई टाइमिंग का कुछ करते हैं, हमारे पास है मैडम, बिल्कुल इतना चीटिंग होगी पहले कर रहे, और जो 20 सेकंड है ना वो मैंने 5 सेकंड रखने हैं। रन्स ऑन द बोर्ड इज द वे टू गो। चलो जी आमिर, इट्स योर टाइम एंड टाइमर के पास। Time starts now, Amir. कपड़ा? ओके। पांच हट बे। दस। ये तो हेयर है भाई, हेयर है। पंद्रह, पांच सेकंड रह गए। में पहने जाते हैं। हाँ सही है, सही है। Well done, well done. Well done, well done, well done. Very good. Good to come. Wow, nice, nice. Go. Bananas. No. दस। ओ बैंगन जो होता है आई थिंक। नहीं। पंद्रह। ये क्या भाई? सारे जीत जाएंगे यार। ए, 10 सेकंड। डॉगी 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 डॉगी। देखो काट ना ले, काट ना ले तुम्हारी मिकी माउस। वैसे वाकई यार ये तो सब मिकी माउस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो वैसे हुआ ये है कि उस राउंड में मोहम्मद आमिर डब्बा पीर निकले और तीनों डब्बे इन्होंने बूझ लिए। अब हमारी पूरी ताकत होगी कि रुमान रईस जो है वो हर शय को यहाँ पे जांच पड़ताल करके और जीतेंगे। ये है बाय द वे पिच रिपोर्ट, सो पिच रिपोर्ट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ जी, और इसके लिए आपके पास है 20 सेकंड ईच। अगेन 20 सेकंड। तो आपका जो वक्त है वो शुरू होता है अब। Okay. चल चैंपियन, पहले तो कपड़ा हटा देना, ये कपड़ा है, अब है असल
ये कराची में बेनतहा होता है। तरबूज नहीं, तरबूज का मुझे पता था पहला ये यही कहेगा। खरबूजा से शुरू होता है। 20 सेकंड हो गए। पपीता, हाँ बिल्कुल सही है यार, चैंपियन है तू। पपीता, नहीं नहीं नहीं, पपीता सही बोला है वो। हाँ बिल्कुल सही बात सुने। कब के 20 सेकंड हो चुके मैं? नहीं नहीं नहीं, 10 सेकंड ले रहे हैं। 20 सेकंड बताई जा रहे थे उसको। देखो 20 सेकंड से ये 50 सेकंड का तो ये फल है। फल है, इसको ढूंढने इसको निकालने में कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चीटिंग। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। चल भी कपड़ा है ये तो, पहले हटा दे कपड़ा। नाइफ नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा। म्यूजिक वाला, वायलिन नहीं नहीं, माउथ माउथ ऑर्गन ऑर्गन। हाँ नहीं नहीं सही है, इसको पता था। नाम याद नहीं, नाम नहीं यार, मुझे समझ गया तो ठीक है, इशारे से समझा। सही सही, नाम मेरे ध्यान नहीं, नंबर है यार, नंबर है, नंबर है। हां इशारे, ये देखो, ये बिल्कुल सही बात है। देखो वो होता नहीं कि पिटी में पॉइंट्स दे दिए यार, माउथ ऑर्गन पिटी में नहीं, मुझे नाम ध्यान में कई दफा नाम नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर पूरे हैं। ये पपीता भी तुमने बूझा है और ये ऑर्गन भी पकड़ लिया। अच्छा जी, अब आगे चलो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कपड़ा है और कपड़े में नहीं पता चलेगा। लट्टू। हाय 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 हाय, ये लट्टू, बिल्कुल लट्टू है। ये कहां से लट्टू? ये लट्टू है और क्या? ये देखो, चला भी दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नॉट वेल डन। दो किए हैं भाई, वो वाला नहीं। नहीं नहीं, ये भी किया है। ये देखो देखो, मेरी बात सुनो भाई यार, ये जितना बड़ा फल था इसको 50 सेकंड लगे हैं आने निकालने के, ढूंढ समझ ही नहीं आया। मेरा तो हाथ भी फंस गया था रमेश भाई। गेम के किसी रूल में ये नहीं था, बड़ी छोटी की बात नहीं हुई यार। ये मुझे बात बताओ यार, ये डिसाइड ये क्यों करेगी भाई? एग्जैक्टली, ये विकेट होता ये किधर से डिसाइड कर देता। नो 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 नो, तुम पैसे मारे, तुम डिसाइड करोगे, तुम क्यों डिसाइड करोगे? मैं कह रही हूँ पिच जैसी भी हो आपने खेलना। देखो था भाई, मैं कह दूं तो सही है, उसने सही पिच रीड की है, ऐसी बात नहीं आजकल पिच था भाई। रूल था 20 सेकंड, वो खत्म हो गया। आमिर ऑपोजिशन कह रही है पिच नहीं ठीक। पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से ये हम मैच जो है ड्रॉ कर चुके हैं। माउथ ऑर्गन भी मिल गया और लट्टू जैसा उसने पूछा है, चला के दिखा दिया, लट्टू चला के दिखाया, उसके एक्स्ट्रा डब्बे के उसको पॉइंट मिलते हैं। अगर ड्रॉ कर लिया तो फिर भी हार जाएगी। और ये जो है ये मैं अभी बाद में खाऊंगा। तो हैवी हार्ट के साथ मैं डिफीट कबूल करता हूँ और हम हार गए। बड़ी बात है, मान रहे, मैंने शुरू में ही कहा था लग गए हैं विंग्स, विंग्स लग गए कराची किंग्स को। वैसे आपकी लग बहुत अच्छी है, मिल लग रहा है। असल में यार पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि यहां पे हार गए कोई बात नहीं, मैदान में मार का मारना है ना, तो सवाल वहां है, तो कोई बात नहीं। ऑन द फील्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंजॉय तो किया, मजा आया। वो समझ रहा है हार गए संडे ही होता है, बिल्कुल वो ये समझ रहा है। जीत की जंग में तो कराची किंग्स मात मार गए, मगर कोई बात नहीं, बहुत खुशी हुई आप दोनों को यार देख के। इसलिए कि ये भी क्रिकेटर की लाइफ में ऐसी चीजें होनी चाहिए, यू नो, ऐसे गेम्स वगैरह जिससे कि थोड़ा से रिलैक्स्ड हो जाए और बॉन्डिंग का भी एक सेशन अच्छा हो गया आप दोनों का। सो हमें बहुत खुशी हुई इस जीत की जंग में, कोई नहीं हारा है वैसे, बाय द वे आप दोनों विनर्स हैं। नहीं नहीं, हम जीते। चलिए इसी खुशी के नोट पे ये प्रोग्राम हम बंद करते हैं और अगली सीरीज में बहुत वाजे तौर के ऊपर फिर से जंगजू मूड में आपके सामने यहाँ पे हाजिर होंगे। 50-50 है क्या, हमें भी नहीं पता चलना, हम भी कोशिश करेंगे, कर क्या रहे एक महीने से कोच नहीं दे रखा है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा हम लोग। अच्छा चलो ठीक।